नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मुकेश अग्निहोत्री। आज हम इस वीडियो में LPP प्रॉब्लम को ड्वेल में चेंज करके ऑफिस सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले जिस हमारे पास दिया हुआ है मिनिमम जेड इज इक्वल्स टू 2x1 प्लस 9x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू आपको दिया हुआ है x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। 3x1 प्लस 2 प्लस x2 प्लस 2x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। x1 x2 x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें इस प्राइमल प्रॉब्लम को ड्वेल में चेंज करना है और फिर उसे सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसे हम ड्वेल में चेंज कैसे करेंगे। तो ड्वेल में जब चेंज करते हैं तो एक सिंपल रूल होता है, यदि हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम जेड दिया हुआ है तो सब्जेक्ट टू के अंदर जितनी भी आपको इनिक्वालिटी गिवन होती है ये हमेशा कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ मिनिमम जेड है और दोनों इनिक्वालिटी कैसी आपकी आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू में आ रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जब इसको बनेंगे ड्वेल में हम चेंज करते हैं, जब ड्वेल प्रॉब्लम में इसको हम रिप्लेस करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले मिनिमम को बनाएंगे मैक्सिमम, जो जाएगा मैक्सिमम जेड। फिर इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये तो आपका b1 b2 आ रहा है, इसको ट्रांसपोज करके हम लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 5w1 प्लस 4w2। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट टू में यहाँ पे जो आपको कॉलम दिया हुआ है ये कॉलम को हम क्या करते हैं, रो बनाते हैं। तो यहाँ आएगा हमारे पास w1 प्लस 3w2, साइन आएगा लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा c का ट्रांसपोज तो 2। नेक्स्ट में आएगा 4w1 प्लस w2 लेस देन इक्वल्स टू 9। फिर आएगा 2w1 प्लस 2w2 लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, और लास्ट में हम देंगे यहाँ पर w1, w2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस प्राइमल प्रॉब्लम को सबसे पहले ड्वेल में चेंज कर लिया। अब ड्वेल में चेंज करने के बाद हमें क्या करना है, इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करेंगे आप इसको तो क्या होगा, देखो आप यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम जेड इज इक्वल्स टू 5w1 प्लस 4w2, ये तजीज रहेगा। सब्जेक्ट टू में आपको जो इनिक्वालिटी गिवन है इन्हें हम इक्वेशन बनाते हैं, तो ये बन जाएगा w1 प्लस 3w2 प्लस, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए मुझे यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया w3 और इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट में आएंगे अपन तो 4w1 प्लस w2 और यहाँ हम ऐड कर देंगे w4 इक्वल्स टू 9। और लास्ट में करेंगे अपन 2w1 प्लस 2w2 और इसमें ऐड कर देंगे अपन w5 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो w3 w4 और w5 जो वेरिएबल हो गए ये कहलाएंगे सेलेक्ट वेरिएबल इसके लिए। ठीक है, इनको जीरो कॉस्ट के साथ में हमें क्या ऐड करना है, मैक्सिमम जेड के अंदर। तो w3 प्लस 0w4 और प्लस 0w5। अब हमारे पास हम मैट्रिक्स पे ध्यान दें तो क्या बन गई मैट्रिक्स, 1 4 2 3 1 2 1 0 0 0 1 0
001। तो ये हमारे पास इसकी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसकी टेबल। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी टेबल पे। तो हमें यहाँ क्या करना है, टेबल में सबसे पहले हमारे पास आएगा CB। CB के बाद हमें लेना है यहाँ पे, अब XP की जगह हम लेंगे WB। फिर हमारे पास आएगा यहाँ पर BJ, BJ के ऊपर CJ। टेबल वैसी है जैसे हम लोगों ने पहले कर रखा था सिंप्लेक्स मेथड में और बिगे मेथड में, सेम वही। यहाँ लिख लो Y1, Y2, Y3, Y4, Y5। यहाँ पे जाएगा मिनिमम रेशो। ठीक है, क्लोज कर दो इसको, आप बंद कर दो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टेबल को फिल करते हैं। चलिए, तो CJ आपका, CJ में आएगी कॉस्ट। क्या कॉस्ट दे रखी है आपको, देखो आप 54000 चले देंगे 54000। BJ में क्या कॉस्ट आएगी आपकी, यहाँ पे आएगी 291, चल देंगे अपन हम 291। यूनिट मैट्रिक्स बन रही है हमारे पास W3 में, W4 में और W5 में। ठीक है, इनकी कॉस्ट है 000। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल हमने मैट्रिक्स लिखी थी, लिख देंगे हम 1 4 2 3 1 2, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस टेबल को सॉल्व करना है। तो देखो आप, आपने क्या किया, ZJ - CJ निकाला। ZJ - CJ में क्या करेंगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे 5 से। यहाँ आ जाएगा मेरे पास माइनस का 5। इसको किया 0 + 0 + 0 - 4। यहाँ हो जाएगा 0 0 0। मोस्ट नेगेटिव हमारे पास क्या आ रहा है, -5। तो -5 क्या हो गया हमारे पास, मोस्ट नेगेटिव। तो मोस्ट नेगेटिव ये आ रहा है, तो हमारा एंट्रिंग वेक्टर क्या करेगा, Y1। तो जब Y1 यहाँ पर जगह में जाएगा तो ω1। तो यहाँ लिखेंगे हम एंट्रिंग वेक्टर क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास Y1। और Y1 किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, ये ω1 के। ठीक है, अब जब ω1 अंदर जाएगा टेबल में तो एक वेक्टर आपका बाहर हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, इस 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो रेशो कितना आएगा, 2। यहाँ देंगे 9/4, यहाँ 2/1 है, यहाँ 9/4 और यहाँ पे 1/2। इन सब में जो मिनिमम रेशो आ रहा है वो आ रहा है 1/2 का। इसका मतलब हमारे पास जो 2 हो जाएगा ये कहलाएगा की एलिमेंट, और W5 क्या होगा हमारे पास, आउटगोइंग वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, की एलिमेंट। तो की एलिमेंट कितना हो गया, 2 हो गया, और आउटगोइंग वेक्टर कितना हो गया हमारे पास, W5 हो गया। क्लियर है। अब हम बनाएंगे इसके बाद नेक्स्ट टेबल में क्या करना है, यहाँ पर सेम तरीके से अभी अपने से बनाया, सेम उस तरह से काम करना है। चलिए, सबसे पहले हमने बनाया CB, फिर हम लेंगे यहाँ पर WB, BJ, इसके ऊपर CJ, फिर Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 और यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम रेशियो। इसको क्लोज करना है, इसे बंद करना है। ठीक है, अब आपने क्या किया, देखिए जरा, यहाँ पर वही आपका 5 रहेगा, 4 0 0 0। ठीक है, अब हमने जो देखा था, हमारे पास जो एंट्रिंग आपका की एलिमेंट 2 आया था। अच्छा, सबसे पहले ओमेगा 5 बाहर गया था, तो ओमेगा 5 पर जगह अंदर एंटर करा था ω1। इसके ऊपर ω4 था ही, और इसके ऊपर ω3 है। ω1 की कॉस्ट है 5 है, इसकी कॉस्ट 0 है, इसकी कॉस्ट 0 है। अब क्या करेंगे हम, जो की एलिमेंट था, इसके एलिमेंट से इस पूरी रो के अंदर हम डिवाइड कर देंगे। तो कर दो डिवाइड, हो जाएगा आपका 1/2, 1 1 0 0 1/2।
अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे जीरो बनाना है। कहाँ पे? एक तो मुझे बनाना है जीरो यहाँ बनाना है और एक जीरो मुझे यहाँ बनाना है। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले हम करते हैं इसको, बनाते हैं जीरो वन को। तो ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ यहाँ मेरे पास वन है। अब मैं अगर इस पूरी रो में से अगर मैं इस न्यू रो को माइनस कर दूँगा तो आ जाएगा जीरो। तो आप ज़रा कर दो माइनस। अगर अपना यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 यहाँ पर है और ऊपर दिया हुआ है कितना 2, तो 2 में से अगर आपका 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा 3/2। तो यहाँ कितना, चलिए तो हम माइनस कर रहे थे, तो 1/2 हमने अब क्या किया, इस 2 में से 1/2 को माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 3/2। ठीक है, फिर हम 1 में से इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। अगले में से 3 में से आपका 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 2। फिर आपका 1 में से कितना जाएगा 0 तो कितना आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 0 ऊपर कितना है यहाँ पर 0, 0 में से 0 हो गया तो 0 हो जाएगा और हमारा यहाँ पर 0 में से 1/2 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 1/2। क्लियर है? तो इस तरह से हमने क्या किया, पहले तो क्या कर ली। अब हमें सेकंड में क्या करना है, सेकंड में हमें देखो यहाँ पे आपका 4 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी कॉलम को 4 से इंटू कर देंगे और इंटू करने के बाद इसको इस वाली कॉलम में से माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो देखो आप जब माइनस करोगे तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 7 0 -3 0 1 -2। अब हमें क्या करना है, सेम पहले की तरह यहाँ पे निकालना है ZJ-CJ। आपने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे 5, ऊपर 5 दिया हुआ है तो वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। यहाँ 0 0 5, ऊपर 4 है तो वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, इसको किया 0 0, यहाँ आ गया 5/2। तो हम देख रहे हैं कि हमारे सभी ZJ-CJ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गए हैं। हमारे पास यहाँ पर जो सॉल्यूशन आ गया आपका पास W1, तो W1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1/2 आ गई। W2 इसमें है नहीं तो W2 की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें 0 आएगी। और हमारा जो ZD होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 5/2। ठीक है, अब जैसे आप निकालते हैं, अब हमें यहाँ चाहिए अगर आपसे कहा जाए कि X1 की वैल्यू क्या होगी, X2 की वैल्यू क्या होगी और X3 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो आपके स्लैक वेरिएबल थे Y3, ठीक है, जो हमने X3 जोड़ा था, X4 जोड़ा था और X5 जोड़ा था, तो इस X3 का जो यहाँ पे कॉस्ट आ रही है तो 0 आ रही है, ये 0 आ रहा है, ये 5/2 आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 5/2। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं और हमारा जो ZP होगा प्राइम प्रॉब्लम वो भी कितना आएगा 5/2 ही रहेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम किसी भी सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स LPP को हम, जो सिंपल LPP है उसको हम ड्यूल में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।